हेलो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। तो अगर आप थाईलैंड जाने के लिए सोच रहे हैं और या उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो है पासपोर्ट। ये एक ऐसा हथियार है जिसके बिना आप किसी भी देश में नहीं जा सकते, एक्सेप्ट भूटान और नेपाल। अगर आप इंडियन सिटीजनशिप आपके पास है तो आपको आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ही कंपलसरी है। दूसरी जो चीज़ है वो है आपका 4x6 सेंटीमीटर का एक फ़ोटोग्राफ, ये भी होना बहुत कंपलसरी। ये ना हो कि आप एक ही लेके जाएं, आप कैरी करें, 4 से 5-6 तक कैरी कर लीजिए, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी पड़ेगी। तीसरी जो चीज़ है वो है अराइवल एंड डिपार्चर कार्ड। तो ये आपको आपके फ्लाइट अटेंडेंट्स देंगे, आपको फ्लाइट के दौरान आपको मिलेगा। इसमें जो डिटेल भरनी पड़ती है, फैमिली नेम का मतलब यहाँ पे आपका सरनेम है, फर्स्ट नेम और मिडल नेम, फिर आपका क्या जेंडर है, मेल फीमेल जो भी है, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फ्लाइट नंबर और वीज़ा नंबर। वीज़ा नंबर आप नहीं भरेंगे, वो ऑफिशियल्स के लिए होता है। और ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, कंट्री फ्रॉम वेयर फ्रॉम यू बोर्डेड, कहाँ से आप आए हैं। हो सकता है कि आप इंडिया से गए, हो सकता है फिलीपींस आए, या हो सकता है अदर कंट्री से आए। तो जिस कंट्री से आप आए हैं उसको आप भरिए। पर्पज़ ऑफ़ योर विज़िट, किस क्या आपका पर्पज़ क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा। लेंथ ऑफ स्टे, कितने दिनों के लिए आप रहने वाले हैं। आपका जो वीज़ा ऑन अराइवल थाईलैंड के लिए वो 15 डेज का ही होता है, 15 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। लेकिन आप अगर 7 दिन के लिए तो वहाँ पे 7 दिन लिख लिए, और जितने दिन के लिए आपको रहना है बेसिकली आपको उतने दिन लिखना है। सिटी एंड स्टेट, दिल्ली से हैं, दिल्ली, बॉम्बे, जो भी आपका सिटी है वो आप लिखिए। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, किस देश के निवासी हैं, इंडिया के हैं तो इंडियन लिखिए आप। एड्रेस इन थाईलैंड, एड्रेस इन थाईलैंड का मतलब ये है कि आपका फर्स्ट होटल या हॉस्टल या आप किसी फैमिली को विजिट जा रहे हैं तो उसका एड्रेस वो आपको यहाँ पे भरना है। टेलीफोन नंबर, आपका अपना टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी और सिग्नेचर के, ये आप जब वीज़ा लेने जाएंगे, वीज़ा ऑन अराइवल के उसमें जाएंगे तो वो आपसे ले लेंगे। इसके पीछे है टाइप ऑफ फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट से आएंगे, शेड्यूल हम मतलब जो नॉर्मल फ्लाइट होते हैं उसे शेड्यूल करते हैं। तो शेड्यूल पर टिक कीजिए। इज़ दिस योर फर्स्ट ट्रिप टू थाईलैंड, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो यस कीजिए, अगर कई बार जा चुके हैं तो नो कीजिए। आर यू ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ टूर ग्रुप, अगर आप टूर ग्रुप के पार्ट हैं तो आप टूर ग्रुप का यस कीजिए, अगर अदरवाइज नो कीजिए। अकोमोडेशन, होटल हॉस्टल जो भी आप रहना है उसके हिसाब से टिक करिए। पर्पज़ ऑफ योर विजिट, यहाँ पे बहुत सारे लिख रखे हैं, हॉलीडे, मीटिंग, स्पोर्ट्स, बिजनेस इंसेंटिव, मेडिकल एंड वेलनेस, एजुकेशन, कन्वेंशन, ट्रांजिट, एम्प्लॉयमेंट, एग्जीबिशन, अदर्स, जो भी आपका है उस पर आप टिक करिए। ईयरली इनकम आपके लिखी है डॉलर्स में, लेस देन 20,000, वो जो भी आप किया है उसके हिसाब से आप भर दीजिए। तो जब वो वीज़ा देंगे तो ये जो है वो आपसे ले लेंगे। और ये जो है डिपार्चर कार्ड, ये इसकी जरूरत पड़ेगी आप जब वहाँ से वापस आएंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी। जब तो ये आपको इस पासपोर्ट के साथ इसमें स्टेपल करके दे देंगे यहाँ कहीं, तो आपको ये जो है डिपार्चर कार्ड बहुत ही सेफली अपने साथ रखना है, क्योंकि ये आपको डिपार्चर में हेल्प करेगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आपके पास रिटर्न टिकट, उसका प्रिंट कॉपी ले लीजिए। आप इसकी कॉपी, आपकी सॉफ्ट कॉपी हो तो बहुत अच्छी बात है, फ़ोन में होना चाहिए या आपकी मेल पे होना चाहिए। कई सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता या बैटरी लो हो जाती है, तो ये सॉफ्ट कॉपी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, अगर सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये चार चीज़ें हो गई हैं। पाँचवीं चीज़ है 10,000 थाई बात, अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो उतना आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 10,000 थाई बात नहीं है तो भी आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। 2,000 थाई बात वीज़ा फ़ीस, अगर इस समय वीज़ा फ़ीस नहीं लग रही, लेकिन अगर वीज़ा फ़ीस लगेगी तो 2,000 थाई बात होती है, तो 10,000 + 2,000 12,000, मतलब इसको आप मिक्स मत कीजिए। आप ये मत सोचिए चलिए कि मतलब हम टोटल 10,000 लेके जाए, नहीं, 10,000 अलग और 2,000 अलग। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो 15,000 थाई बात अलग है, और हर पर्सन के हिसाब से 2,000 थाई बात आपको वीज़ा फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप पक्का है कि प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो बेटर है कि ये सब चीज़ें आप अपने कैरी करके चलें। तो अगर आप ये सब चीज़ आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप जब वीज़ा के लिए आप जाएंगे तो आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा।
इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बेसिक डिटेल होती हैं, आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और फैमिली नेम। फैमिली नेम हमेशा याद रखिए, आपका सरनेम होता है, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, डेट एंड प्लेस ऑफ इशू, मतलब जहाँ से भी आपका पासपोर्ट इशू इसमें ही होता है, लिखा रहता है। पासपोर्ट नंबर, आपका एक्सपायरी डेट, जब पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है। फ्लाइट नंबर, जिस फ्लाइट से आप आए हैं वो आपको फ्लाइट नंबर बताना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं। परमानेंट एड्रेस, एड्रेस इन थाईलैंड, परमानेंट एड्रेस जो आप जहाँ रहते हैं, मतलब दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, जो भी आपका घर का एड्रेस है वो। एड्रेस इन थाईलैंड, जो पहला आपका होटल रहेगा उसका एड्रेस देना है। नेम एंड एड्रेस पर्सन ऑफ द रेफरेंस इन थाईलैंड, अगर आपका थाईलैंड में कोई जान पहचान का है तो उसका रेफरेंस एड्रेस देना है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना। और इसके नीचे माइनर, अगर आपके साथ कोई माइनर चल रहा है तो उसकी डिटेल भरनी है, पासपोर्ट नंबर, क्या रिलेशनशिप है वो उसकी डिटेल भरनी है, साइन करने हैं, डेट डालनी है, दैट्स इट। ये अगर सात चीज़ें आपके पास हैं तो ईजिली आपको जो थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगी, उसकी स्टैम्प आपको लग जाएगी। उसकी स्टैम्प कुछ थाईलैंड की इस तरह की होती है, यहाँ पे आपको ये कोई स्टिकर वीज़ा नहीं मिलता है थाईलैंड का, इसमें स्टैम्प का वीज़ा मिलता है। तो अगर कोई मेरे से ये ना पूछे कि मतलब थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा मिलता है कि नहीं मिलता, अगर आपको स्टिकर वीज़ा चाहिए तो आपको ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हैं तो आपको स्टैम्प ही मिलेगा। तो ये जो सात चीज़ें हैं, अगर आपके पास ये हैं तो आपको थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल बहुत ही इजीली वे में मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये बहुत ही वीज़ा ऑन अराइवल में 1 से 2 घंटे आपका समय जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक टूरिस्टिक प्लेस है, बहुत लोग आते हैं, बहुत फ्लाइटें उतरती हैं मतलब सेम टाइम, तो उसमें समय कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब टाइम कंज्यूमिंग करता है, लेकिन यह का वीज़ा इजीली मिल जाता है। हाँ, ये है कि इमिग्रेशन में जो सवाल पूछे जाते हैं उसको बारीकी से अच्छे से आंसर दिए। कई बार वो पूछता है कि ट्रैवल पर्पज़ ऑफ़ योर विजिट, तो आपको ये नहीं बोलना है कि हाँ मौज मस्ती के लिए आए हैं, इसके लिए आए हैं, उसके लिए आए हैं। आपको बोलना है कि टूरिज्म के लिए या लीजर के लिए, मतलब अच्छे वे में आपको इमिग्रेशन को सीरियसली वे में आंसर देना है। अगर आपने मदद सही से आंसर नहीं दिया या वो आप सोचते हैं कि ओ वीज़ा तो बहुत आसानी से मिल जाता है और मैं मौज मस्ती में आंसर दे दूं, तो हो सकता है कि आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाए। तो बेटर है कि आप समझ बूझ के अच्छे से आंसर दीजिए, कि ताकि आपका जो वीज़ा है वो ईजिली मिल जाए, आपको डिपोर्ट होने के चांसेस ना हो। तो अगर ये जो 7 डॉक्यूमेंट हैं और इमिग्रेशन में अच्छे से आप आंसर दे देते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जो अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो और मैं आगे यूज़फुल वीडियोस और अच्छे कंटेंट आपको प्रोड्यूस करके दे सकूँ। तो थैंक यू माय फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय माय फ्रेंड्स।